भारत देश का सबसे लंबा चलने वाला केस, करीब 492 इयर्स के इतिहास के बाद फाइनली 2019 में राम मंदिर को लेकर फैसला आ गया। और अब 2024 में इस मंदिर का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है और 22 जनवरी को यहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर को बनाने का जो सफर रहा है इतना आसान नहीं रहा है। इसमें कई हजारों लोगों ने अपना जीवन झोंक दिया और साथ ही साथ ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ये भी कोई साधारण मंदिर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनमें से कुछ बातें जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे और कुछ बातें जानकर आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि आपके दिमाग में भी राम मंदिर को लेकर कुछ सवाल तो होंगे ही। जैसे कि इस मंदिर का निर्माण कौन सी शैली से किया जा रहा है, ये किसी प्राचीन मंदिर जैसा दिखेगा या किसी मॉडर्न मंदिर जैसा बनेगा, यहाँ पर जो भगवान राम की मूर्ति बनाई जा रही है आखिर वो मूर्ति किसने बनाई है, वो मूर्ति दिखने में कैसी होगी और करोड़ों की लागत से बनने वाले इस मंदिर में क्या क्या खासियतें हैं और कब ये मंदिर आम भारतीयों के दर्शन के लिए ओपन हो जाएगा। तो वीडियो के कमेंट्स में जय श्री राम लिखना बंद करो, वो वीडियो खत्म होने के बाद भी लिख सकते हो। तो जल्दी से अपने हाथ पैर धो लो, माथे पर तिलक लगा लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं अयोध्या आज के तगड़े वीडियो में। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन हिंदुओं का दावा था कि ये जो जगह जहां पर मस्जिद बनी हुई है ये भगवान राम की जन्मभूमि है और यहीं से इस विवाद का जन्म हुआ कि भैया यहां पर मस्जिद रहेगी या फिर यहां पर मंदिर बनाया जाएगा। ये विवाद यूं ही चलता रहा, लेकिन ब्रिटिश शासन काल के दौरान मतलब 1853 के बाद से दोनों पक्षों के बीच की जो गर्मा गर्मी थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सलूशन निकाला कि भैया ये जो ढांचा दिखाई दे रहा है मुस्लिम इसके अंदर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं और इस ढांचे के बाहर एक जो चबूतरा बना है हिंदू यहां पर आकर अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये सलूशन तो टेम्परेरी था। अंग्रेजों के जाने के बाद जब भारत आजाद हुआ तब असली विवाद शुरू हुआ 1949 में, जब ऐसा दावा किया गया कि मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गई हैं। तो हिंदुओं ने बोला कि भैया यहां पर बनाना है हमको मंदिर, लेकिन मुस्लिमों का दावा था कि ये मूर्तियां जानबूझकर किसी ने यहां पर रख दी हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपने फैसले किसी की बातें सुनकर नहीं लेती, तो पुरातत्व विभाग को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई कि भैया आप जांच करो और बताओ कि यहां पर क्या था। अब जब तक ये जांच चलती रही तब तक भगवान श्री राम एक टेम्परेरी टेंट वाले मंदिर में रहे और जांच के खत्म होने के और कोर्ट के फैसले के आने का सभी भारतीयों को इंतजार रहा। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए और बहुत सारी हिंसा भी हुई जिसका जिक्र मैं अभी इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं। एनीवे इसी दौरान बहुत सारे संघर्ष हुए, दोनों पक्षों के बीच में बहुत गर्मा गर्मी रही। लेकिन जो लोग भगवान राम का मंदिर बनवाना चाहते थे वो अपनी कोशिशों में लगे रहे। कुछ लोगों का तो जवानी से बुढ़ापा तक आ गया और फाइनली 2019 में जब कोर्ट का फैसला आया तो हर भारतीय के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। फाइनली कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो जगह है यहाँ पर भगवान राम का मंदिर बनाया जाएगा। ये तो था इतिहास, अब बात करते हैं वर्तमान की। ये कुछ फोटोज देखिए, ये है राम मंदिर निर्माण की असली फोटोज। असली मैंने इसलिए कहा क्योंकि इंटरनेट पर अभी AI से बनी हुई कुछ नकली फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। कुछ इस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और ये रही वो फोटो जहां पर बताया जा रहा है कि निर्माण कंप्लीट होने के बाद मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये फोटो असली नहीं है, ये एक कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनी हुई फोटो है क्योंकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका निर्माण जो है वो प्राचीन पद्धति से किया जा रहा है, मतलब इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज नहीं होगा जैसे कि नॉर्मल घर या फिर बिल्डिंग्स बनती है ना रेत सीमेंट या स्टील का यूज करके। इस मंदिर का निर्माण हो रहा है बंसी पहाड़पुर नाम की जगह पर मिलने वाले पत्थरों से। ये जगह राजस्थान के भरतपुर जिले में है और इसमें मिलने वाले पत्थरों की एक बड़ी खासियत है कि ये हजारों सालों तक खराब नहीं होते और इनकी मजबूती समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। साथ ही इस मंदिर के निर्माण में स्टील का यूज नहीं किया जा रहा क्योंकि इस मंदिर को बनाने वाले जो डिजाइनर जो आर्किटेक्ट हैं उनका कहना है कि स्टील 80 से लेकर 100 साल के बाद खराब हो जाता है। लेकिन हम मंदिर को ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि ये हजारों साल तक टिका रहे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया का इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आखिर कौन है जो इस मंदिर को डिजाइन कर रहा है। तो इस मंदिर के आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग की जिम्मेदारी सोमपुरा परिवार को दी गई। ये परिवार 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन तैयार करने का काम कर रहे हैं
और इस मंदिर में एक खास पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो लाया जाएगा अंजनी पहाड़ी से। ये पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है और ये जगह भगवान हनुमान का जन्म स्थल है। साथ ही इस मंदिर में कुछ ईंटें भी यूज की जाएंगी और उन ईंटों की भी बड़ी खासियत है। उन ईंटों पर श्री राम लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राम सेतु बनाते टाइम पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा गया था। और इनमें से कुछ ईंटें 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि इनको तब लाया गया था जब भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने की तैयारियां लोग करने लग गए थे। लेकिन 30 साल तक फैसला ना आने की वजह से ये ईंटें इंतजार कर रही थी जिनका अब इस्तेमाल किया जाएगा। इन ईंटों को 1989 में देश भर से अयोध्या में लेकर आया गया था। लेकिन ये तो थी मंदिर के आर्किटेक्चर की बात। हर मंदिर की खासियत होती है उस मंदिर में रखी हुई देवता की मूर्ति। अब चूंकि ये राम मंदिर है तो यहाँ पर भगवान राम की भी एक भव्य मूर्ति अवश्य होगी। और बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन है वो इंसान जिसे ये मूर्ति बनाने का सौभाग्य मिला होगा। मूर्तिकार अरुण योगीराज, जो कर्नाटक के मैसूर शहर के रहने वाले हैं, वो भगवान राम की मूर्ति को बनाने वाले हैं और यही मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। ये देश के काफी प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और ये है वो मोस्ट अवेटेड भगवान राम की मूर्ति जिसकी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जमीन से 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल भी रखा गया है। इसमें मंदिर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल है ताकि हजारों साल बाद भी फ्यूचर में जब किसी को ये टाइम कैप्सूल मिले तब उसको इस जगह के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हो जाए और फ्यूचर में ऐसा कोई विवाद ना हो कि भैया यहाँ पर मंदिर था या नहीं था। इस मंदिर का निर्माण कार्य 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप कंप्लीट होगा 2023 में, दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा 2024 में और फाइनल स्टेप कंप्लीट होगा 2025 में। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा इस मंदिर के कंप्लीशन की जो डेट है वो 24 जनवरी 2024 बताई जा रही है, तो हो सकता है 2024 में ही इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए और ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाए। और डेफिनेटली हर कोई इस मंदिर को एक बार विजिट करने के लिए एक्साइटेड जरूर है। इस मंदिर को बनाने में करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये जो डेटा बता रहा हूँ ये द इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ है। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि बहुत ही जल्द 2024 में ही, मतलब इसी साल, राम मंदिर कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर 2024 से थोड़ा और ज्यादा टाइम लग भी जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भैया इतने साल जब इंतजार किया है तो भैया 1-2 साल और सही। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको राम मंदिर के इतिहास से लेकर राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन तक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फटाफट से वीडियो को शेयर करो और कमेंट्स में लिख दो जय श्री राम। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।